निकलते हैं घर की तरफ और चलते हैं अभी अपने गांव की तरफ, और आपको आज अपने गांव की तरफ दिखाएंगे, हरियाली भी दिखाएंगे। बैक माय चैनल MPO ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो अच्छा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उठे हैं, सहरी कर लिया हमने, नमाज पढ़ते हैं और फिर रेस्ट करते हैं, क्योंकि जो हमने कल व्लॉग अपलोड किया था उसमें ये भी बताया था कि आज हमारे कुछ काम पेंडिंग्स हैं। तो आज तो हमारी दिन की मसरूफियात यही होंगी कि सबसे पहले उठ के हम रेस्ट करके जब उठेंगे तो देखेंगे कोई हॉस्पिटल में केस है तो उसको देखेंगे कि उसको हम जरा जल्दी टाइमली आज करवा लें, सर्जन के साथ टाई अप करके, एनेस्थेटिस्ट से टाई अप करके जल्दी करवा लें। और सेकेंडली हमने आज अपना बाइक भी ठीक करवाना जो हमारा पेंडिंग रह गया था, थोड़ा सा उसका काम करवाना है। और फिर हमने जाना है अपने वतन को भी, यानी कि अपने गांव भी जाना है अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने वालदैन के पास। आपको पता ईद आने वाली है और आज इंशाल्लाह हम घर भी जाएंगे, और जाते हुए इंशाल्लाह आज मैं आपको अपने इलाके की तरफ जो हमारी खूबसूरती पहाड़ भी नज़र आते हैं और उसके बाद हरियाली नज़र आती है, इंशाल्लाह आज के व्लॉग में हम आपको वो भी दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ इंशाल्लाह। रेस्ट करते हैं, उठ के फिर आपको आज के दिन के बारे में बताते हैं। अच्छा, तो अभी हम उठे हैं और उठ के रेडी हुए हैं और चेक किया है कि हॉस्पिटल में तो कोई ऑपरेशन नहीं है, तो चले चलते हैं अभी अपने बाइक का थोड़ा सा काम करवाते हैं, उसका आयल चेंज करवाते हैं और फिर उसके बाद उसको वॉश करवा के हॉस्पिटल आते हैं, अपना सामान लेंगे, फिर इंशाल्लाह अपने गांव की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो चलते हैं अभी अपना बाइक ठीक करवाने। अच्छा, तो अभी हम जिस शॉप पे हमने काम करवाना अपनी बाइक का, हम पहुँच आए हैं, तो अभी हम उधर पहुँचे हैं, तो साथ ही आप नीचे बाइक लेके चलते हैं, अपनी बाइक का काम करवाते हैं और फिर आपको आगे की मज़ीद आज की डिटेल बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं बाइक ठीक करवाने के बाद आपके साथ, फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अच्छा, तो अभी हमारी बाइक ठीक हो गई है, ये ऊपर बाइक खड़ी है, तो अभी जा रहे हैं वापस, तो चलते हैं बाइक की सर्विस करवाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह घर की तरफ चलते हैं। बाइक का काम वगैरह हो गया है तो अभी चलते हैं और वापसी आते हैं, शाम से हम वापसी निकलने लगे हैं। अभी चलते हैं हम अपने बाइक की सर्विस करवाते हैं और वापस घर को निकलते हैं। अच्छा तो अभी हमने बाइक ठीक करवा के उसे सर्विस करवा के वापस आ गए हैं, और बाज़ार में बहुत ही रश था, आके हमने पैकिंग वगैरह कर लिया अपनी और अभी इंशाल्लाह निकलते हैं घर की तरफ और चलते हैं अभी अपने गांव की तरफ, और आपको आज अपने गांव की तरफ दिखाएंगे, हरियाली भी दिखाएंगे और पहाड़ भी कोशिश करेंगे आपको जूम करके दिखाएँ। तो इंशाल्लाह ईद पर भी आपको इंशाल्लाह जो हमारा विज़िट वगैरह जिधर भी होगा इंशाल्लाह आपको सब कुछ विज़िट करवाया जाएगा। और चलते हैं अभी घर निकलते हैं और बाकी बातें होती हैं घर पहुंच के। अच्छा, तो नाज़रीन ये भी हम जा रहे थे घर, तो मैंने कहा चले आपको जाते हुए अपने गाँव का रास्ता दिखाता चलता हूँ। ये सारी आपको जो फसल नज़र आ रही है ये गंदम की फसल है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त फसल पक गई हुई है और इंशाल्लाह ईद के बाद इसकी कटाई भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको ये सामने नज़र आ रहे हों तो वो आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह पहुंचते हैं घर और उसके बाद फिर आपको घर पहुंच के मिलते हैं, फिर आपसे फिर आज के मसरूफियात वगैरह आपसे शेयर करते हैं और बाकी इंशाल्लाह वेट करते हैं रात का। अच्छा, तो नाज़रीन ये था आज का हमारा व्लॉग कि हम घर आए हैं, घर जब पहुंचे हैं तो अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब था
और आके अफ्तारी की है, और अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब था, तो सामान वगैरह हमारी शॉप है जहाँ पे हम समोसे वगैरह बनाते हैं, और आके समोसे वगैरह, वो थोड़ी सी रश पड़ा हुआ था, वो थोड़ा सा हेल्प की और साथ में अफ्तारी की है। तो चले चलते हैं, आज व्लॉग का एंड करते हैं इसी के साथ, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, और इसी तरह आप प्यार देते रहें, वीडियो को पूरा देखा करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और मिलते हैं एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।